हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम सतीश है और मेरा यूट्यूब चैनल है सत्य टेक 7676। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सामने चाइना का चाइना का बॉक्स है, सेटअप बॉक्स है डीडी फ्री डिश का। ये देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैंने अभी अभी इसको कस्टमर से घर से लाया हूँ, ला के मेरे पास इसमें थोड़ा पावर सप्लाई का फॉल्ट था, तो मैंने पावर सप्लाई का प्रॉब्लम बनाया है, चालू कर दिया है। चालू करने के बाद फिर एक प्रॉब्लम आया फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे सामने फ्रेंड्स, ये देखिए आप टीवी पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सामने, ये देखिए इसमें क्या है, रेंज आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसका मैं ये भी पीछे का टाइट करके देखता हूँ फ्रेंड्स, केबल छतरी का केबल उससे भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे साथ अभी मैं चैनल चेंज करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए कम ज़्यादा रेंज हो रहा फ्रेंड्स। ये देखिए चैनल चेंज करने के बाद भी उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। ये देखिए कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ये देखिए ये चैनल पर आ रहा था सिग्नल, ये देखिए आने का जाने का। तो ये वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये देखिए वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको कि कहाँ प्रॉब्लम है, हमको मालूम हो जाएगा फ्रेंड्स। बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि इसका मेन सप्लाई वोल्टेज कितना है। चलिए हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगाया है, और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है, ये देखिए 2.8 वोल्टेज है फ्रेंड्स। देखिए और एक बार चेक करता हूँ, 2.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे रहना चाहिए 3 वोल्टेज के अभाव, तो इस कारण यहाँ पे सिग्नल का अभाव हो रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए कितना है, 13 वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए कितना है, ये ग्राउंड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए कितना है, ये भी 2.8 वोल्टेज, बोलते 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज। एक जो है सिस्टम इसी को चलाता है और एक जो है सेंसर को चलाता है। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए 3.03 वोल्टेज तक है फ्रेंड्स। तो अब आ गया देखिए फ्रेंड्स, तो मेनली प्रॉब्लम क्या है, इस वायर में एल्बोज कॉन्टैक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3.0 वोल्टेज, और यहाँ पे देखिए 3.0 वोल्टेज। अब सिग्नल देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिग्नल पे रखा है, अब देखिए फ्रेंड्स सिग्नल 45। तो इसमें मेनली प्रॉब्लम है ये लूज कॉन्टैक्ट, और उसके साथ ही हम ये लूज कॉन्टैक्ट ही कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसमें प्रॉब्लम है वही है लूज कॉन्टैक्ट का, तो इस कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका ये जो वायर है, ये वायर टोटली वायर चेंज करके देखेंगे, या इसका जो भी है प्रॉब्लम वो क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। बने रहे फ्रेंड्स मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके वायर में ही फॉल्ट था। तो देखिए यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, ये वायर सही तरह से मैंने फिट किया है। ये देखिए 3.3 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए 3.3 वोल्टेज। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स कितना आता है, 3.3 वोल्टेज। तो ये स्विचिंग आई सी देखिए इसकी, देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे आउटपुट कितना दे रहा है, 1.8 वोल्टेज। ये देखिए ये यहाँ पे है स्विचिंग आई सी फ्रेंड्स, ये देखिए ये इसकी स्विचिंग आई सी है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आउटपुट देता है, तो तब क्या होता है हमारे को परफेक्ट सिग्नल आता है। ये देखिए सिग्नल 46 45। तो आप 3.3 वोल्टेज, अगर कभी सिग्नल कम ज़्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम आप ध्यान दीजिए कि 3.3 वोल्टेज सही तरह से इस बोर्ड को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब भी हम 3.3 वोल्टेज सही तरह से दे देंगे तो सक्सेसफुली ये बोर्ड काम कर जाएगा, नहीं तो
वीक सिग्नल या आना जाना, सिग्नल आना जाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी एक बार टीवी पर लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि सिग्नल सही तरह से आ रहे या नहीं आ रहे। तो मैं अभी टीवी चालू करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने टीवी चालू किया है। टीवी मैंने चालू कर दिया फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स सामने पिक्चर चालू है। देखिए फ्रेंड्स पिक्चर चालू है, साथ ही सिग्नल भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिग्नल भी सही तरह से है। 45-50 वोल्टेज सिग्नल है, 45-46 सिग्नल है। तो मैं अभी सिग्नल हटाता हूँ, तो ये देखिए चैनल चालू है परफेक्ट। ये देखिए जब भी हम इस बोर्ड को 3.3 वोल्टेज दे देंगे तो तब परफेक्टली ये बोर्ड काम कर जाएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स 46-44 वोल्टेज, तो आप मैक्सिमम ध्यान दीजिए इसके 3.3 वोल्टेज पे। यहाँ से 3.3 वोल्टेज आके यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, और ये स्विचिंग आईसी पीछे स्विचिंग आईसी पे जाता है। तो स्विचिंग आईसी को 3.3 वोल्टेज मिलने के बाद ही वो 1.8 वोल्टेज बनाएगा, तभी ये बोर्ड अपने आप परफेक्टली काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।